गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ज्वाइन करते जा रहे हैं, जय हनुमान जी कर दो जल्दी से, बस फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर। टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को? कम मार्क्स आए हैं काफी बच्चों के, मुश्किल था टेस्ट? अब नहीं, तुम्हारे भी कम आए हैं, चैट बॉक्स में लिखो टेस्ट कैसा लगा, मुश्किल लगा कि आता था घर पे, उसका सोल्यूशन देखा होगा आप लोगों ने कि पेपर में नहीं हो पाया, वो सब बताओ एक बार चैट बॉक्स में। बस 7 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स 50 से अबव है उसमें, बाकी सब बच्चों के कम है, जबकि हमने मतलब क्वाड्रेटिक कितना ज्यादा किया था, मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करी थी क्वाड्रेटिक में। अंजलि, अनुज, चेतना, छायांश, चिराग, खंडेलवाल, दीपक रावत, नीरज कुमार, पवन, अमित, बादल, हर्षित, कृतिका, प्रवीण, इन सब बच्चों का मार्क्स हैं। श्रुति, आपको उसमें रेड लिस्ट में पता चल गया होगा। लवीश गुलाटी के भी कम है, दिव्यांश, अश्मित, अनुष्का गोयल, अमित रावत। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आपने फेस करी ना मुझसे आप हाँ, अगर आपने सिली मिस्टेक की है तो बेटा उसका तो कोई सलूशन ही नहीं है। तो जब हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, जब एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस, तो उसमें भी अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो फिर फाइनल पेपर में भी होगी। तो थोड़ा ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी होती उसमें। तो आपको जो भी डिस्कशन करना है आप मेरे से कर सकते हो, 5 PM से पहले आप मुझे कॉल करके ना बात कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मुझे मतलब मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ या मतलब मेरी परफॉर्मेंस वीक जा रही है, तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज ड्रॉप करके बात कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो। देखो, अगर आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, असाइनमेंट अगर आप अच्छे से कर रहे हो और उसके बाद अगर आप पैकेज कर ले रहते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बट ये पूरा करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि मैंने 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के कर लिए, 20 क्वेश्चन मैंने उसके कर लिए, क्या कहते हैं मॉड्यूल के, और पेपर में मेरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले पेपर इसी लेवल के रहेंगे, तो इसीलिए आपको असाइनमेंट और मॉड्यूल पूरा लगाना जरूरी है, तो ये आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे आ गए, 44 ही हैं। चलो ठीक है, बाकी डिस्कशन अपन लास्ट में करेंगे, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो अभी हम वही बायनोमियल थ्योरम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बायनोमियल थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, कुछ जगह पर कुछ बुक्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले दिया होता है और बायनोमियल थ्योरम बाद में दिया होता है, बट हम पहले बायनोमियल थ्योरम करेंगे फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। ये दोनों ही अलजेब्रा के पार्ट हैं। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो मैथ्स का पोर्शन, जैसे मैथ्स में इन टोटल 4 पोर्शंस हैं, एक अलजेब्रा है, फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें आप आगे चल के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़ोगे, फिर कैलकुलस है जो 12th में आता है जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक आता है जिसमें हम और बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, वेक्टर, 3D वगैरह। ठीक है, एलजेब्रा में अभी बायनोमियल थ्योरम है, फिर इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हम 12th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 11th का एलजेब्रा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उस पर आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब बायनोमियल थ्योरम, अब आपने सर इसाक न्यूटन का नाम सुना होगा, न्यूटन का तो नाम सुना ही होगा सब लोगों ने फिजिक्स में, और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते न्यूटन जी ने मैथ्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, तो होता क्या था कि वो कोई प्रॉब्लम में अटकते थे, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा शार्प थे, तो वो किसी प्रॉब्लम में अटकते थे, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किसी मैथमेटिशियन को भेजते थे
कि भाई जैसे उस टाइम पे क्या होता था, लेटर्स के थ्रू मतलब एक दूसरे को मतलब बात करी जाती थी। किसी को भी अगर अपने आप को ये प्रूव करना है कि ही और शी इज एक्सीलेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड या इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो अपना रिसर्च पेपर लिख के या एक पेपर के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी लिख के भेज देता था किसी आदमी को या दूसरे मैथमेटिशियन को भेज देता था। वो तो उनपे डिस्कशन होता था, तो जिसकी थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग होती थी फिर वो पब्लिश होती थी। तो ऐसा होता था मतलब, क्योंकि फोन्स तो थे नहीं और कुछ मेल वगैरह भी नहीं था उस टाइम तक। तो न्यूटन किसी प्रॉब्लम में अटके और उन्होंने उनको मतलब वो जो प्रॉब्लम थी वो कुछ ऐसी थी कि मान लो मुझे ऐसा करना है, 1 + x है और इसकी पावर से -1/2 है, मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी सिंपल है, 1 + x की पावर जो -1/2 है ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसमें क्या सॉल्व करना है, तो 1/√1 + x आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख। आपका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 10th तक के बच्चे का वो बस इतना ही सीमित रहता है, वो कहेगा सर ये तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, बस ये सिंप्लीफाई हो गया। बट ऐसा नहीं है बेटा, इसको इसकी सीरीज बन जाती है, इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 करेंगे तो इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, और ये सबसे पहले न्यूटन जी ने ही निकाला। वो किसी फिजिक्स की प्रॉब्लम में अटके और उन्होंने क्या किया भाई, इसको सॉल्व कर दिया। अब वहां बेचारे मैथमेटिशियन भी लगे हुए थे, मैथमेटिशियन तब तक ऐसे सॉल्व कर रहे थे 1 + x की पावर 3, 1 + x की पावर 4, ये सब चीजें सॉल्व कर रहे थे और वो इस प्रॉब्लम में अटके हुए थे। तो इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो श्रेय है वो भी न्यूटन जी को जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि भाई 1 + x की पावर 3, 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 100। अब मान लो आपको मैं बोलूं भाई 99 की पावर 2 निकालना है, आप बोलोगे सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा। कोई और थोड़ा शातिर बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो 100 - 1 का होल स्क्वायर लिख के वो सॉल्व कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। तो वो कहेगा कि सर 100 - 1 का होल स्क्वायर तो बहुत इजीली मैं निकाल दूंगा, मैं 99 * 99 नहीं करूंगा, मैं 100 - 1 का होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा अच्छा भाई तू शातिर है तो एक काम कर, 99 का 3 निकाल, 99 के पास 3। तो फिर बोलेगा सर मैं हूं शातिर, मैं क्या करूंगा 100 - 1 का क्यूब कर दूंगा, ये भी मैं निकाल लूंगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा तू अभी और शातिर बन रहा है तो एक काम कर 99 के पास 55 निकाल। अब बेचारा वो अटक जाएगा वो, और मान लो कि उसके पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर से तो कोई भी कर लेगा। इनफैक्ट ये वाली फिगर आप कैलकुलेटर में भी डालोगे तो भी गड़बड़ आएगी वो, तो मतलब इतनी बड़ी नंबर है ना 99 के पास 55, तो फिर वो अटक जाएगा बेचारा। तो इन चीजों को सॉल्व कैसे करना है 99 के पास 55, तो इसके लिए मतलब ये चैप्टर बना हुआ है। अब मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आते होंगे, 99 के पास 55 को आप 7 से डिवाइड करो क्या रिमाइंडर आएगा, 99 मतलब इसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो आपसे कोई पूछ सकता है। 99 की पावर 55, ये थोड़ा इजी हो जाता है, साइक्लिसिटी से भी हो जाता है जिन बच्चों ने NTSC वगैरह की तैयारी करी हो। मान लो 99 की पावर 55 मैंने बोला इसको 23 से डिवाइड करो, तो उसको साइक्लिसिटी में प्रॉब्लम आएगी, उस बच्चे को जिसको साइक्लिसिटी आती है। साइक्लिसिटी होता है कि किसी भी नंबर की अगर हम रेशो दी पावर चढ़ाते रहेंगे वो एक टाइम के बाद रिपीट करने लग जाता है। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, तो इसका लास्ट डिजिट 9 है। 7 की पावर 3 इज 343, तो लास्ट डिजिट 3 है। फिर 7 की पावर 4 का जो भी लास्ट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। फिर इसके बाद 7 की पावर 5 का फिर 7 आ जाएगा, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। 7 की पावर 6 का फिर 9 आ जाएगा, ऐसे करते चलता रहेगा, तो वो 7 9 3 1 रिपीट करता रहता है 7 की पावर्स में। इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं, साइक्लिसिटी। ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे चल के। बट ये थोड़े क्वेश्चन इजी हो जाते हैं अगर मैं बोलता हूँ 99 की पावर 55 को डिवाइड करो 7 से, बट अगर मैं बोलता हूँ 99 की पावर 55 को 23 से डिवाइड करो वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। फिर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इसके लास्ट 3 डिजिट बताओ, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या आएंगे, तो वो भी अभी आपके लिए मुश्किल है अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो। ये सब चीजें जो है ये मैथ्स में प्रॉब्लम बनी कुछ जब भी पुराने टाइम में, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर का मतलब आया। ऐसा नहीं था कि न्यूटन ने सब कुछ दिया इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है, मतलब मैथमेटिशियंस ऑलरेडी अपनी चीजें सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, बट वो एक जगह प्रॉब्लम में जाके अटक गए और वहां पे न्यूटन जी आके, न्यूटन जी ने चौका मार दिया और बाइनोमियल थ्योरम का श्रेय उनको चला गया। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। अब सबसे पहले जो थे वो थे पास्कल, पास्कल ट्राइंगल अगर आपने सुना हो ना, तो पास्कल ने सबसे पहले क्या किया था, मतलब उन्होंने एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट किया था कि भाई a + b की पावर 1 क्या होता है, a + b की पावर 2 क्या होता है, a + b की पावर 3 क्या होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का कुछ क्रेडिट पास्कल को जाता है क्योंकि वो न्यूटन से काफी पहले वाले टाइम में थे और उन्होंने कुछ कुछ थ्योरीज निकाल के इसकी एक्सपेंशन करनी स्टार्ट कर दी। मतलब बेसिकली पास्कल ने x + y की पावर 100
एक्स प्लस वाई की पावर, मतलब दो टर्म अगर मेरे पास है उसकी पावर 107, ऐसी कोई भी पावर है उसको निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो पास्कल अपनी जगह पे ठीक थे, बट उनका मेथड थोड़ा सा लेंदी था जो अभी आप देखोगे। फिर कुछ और मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने उसका और एक अच्छा वर्जन दिया। फिर लास्ट में क्या हुआ, न्यूटन जी आए और उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, क्योंकि जहां पे पूरे मैथमेटिशियंस अटक रहे थे वहां न्यूटन जी ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि उनको डिफरेंस उनको कैलकुलस आता था, कैलकुलस की हेल्प से उन्होंने सॉल्व कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, थ्योरम का श्रेय उनको चला गया। तो ऐसा ये कुछ ऐसी स्टोरी है इसकी, हिस्ट्री की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे और बीच बीच में आपको और जो भी रिलेटेड चीजें होंगी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई बाइनोमियल टर्म का क्या मतलब है। तो एक वर्ड होता है मोनोमियल, मोनोमियल टर्म का क्या मतलब होता है, द टर्म कंटेनिंग ओनली वन वैल्यू, ठीक है, या मोनोमियल, बस मोनोमियल ही लिख देते हैं इसको। तो इसको ऐसा बोल देता हूं, एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, ये थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया, एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। अब जैसे आपको, आप बोलोगे सर वन टर्म का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने एक्स लिख दिया, इसमें एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है, आपने अकेला टू लिख दिया, इसमें भी एक ही टर्म है, ठीक है, आपने लिख दिया 3x2y, इसमें भी एक ही टर्म है बेटा, 3x2y देख रहे हो, ये जब सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टर्म नहीं नहीं बनेगी, वो बस एक ही टर्म रहेगी, ठीक है। आपने लिख दिया 3x/y, तो ये भी एक ही टर्म है, बट जनरली हम डिवीजन वाली टर्म्स को लेते नहीं, आपको याद होगा हम एक्सप्रेशंस में डिवीजन वाली टर्म को लेते नहीं है, मतलब क्योंकि हम पॉलिनोमियल टर्म्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, बट ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है हमारे पास तो उसको हम मोनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने बोल दिया 3x2 + 2, तो दिस इज नॉट मोनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आ गया, तो प्लस के कारण कितनी टर्म बन गई, दो टर्म बन गई। अब मान लो मैंने ऐसे बोला 3x2 - 5x + 7, ये भी मोनोमियल नहीं है, इसमें कितनी टर्म है मेरे पास, इसमें मेरे पास दो टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म है मेरे पास, इसमें मेरे पास थ्री टर्म्स हैं, समझ आ गया। तो मोनोमियल का मतलब सबको समझ आ गया होगा आई गेस, ठीक है, यहां तक जो भी मैंने बताया ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, पेंगुइन बना दो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, किसी को भी अभी इधर कंफ्यूजन है तो बताओ, इसके बाद फिर मैं बाइनोमियल ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल ये सब बताने वाला हूं। जो भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं उनको ये सुबह वाली क्लास अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है, और इवनिंग वाली नए बच्चों को अटेंड करनी कंपलसरी है, पुराने बच्चों को इवनिंग वाली क्लास अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो एक रूल क्लास का ये है कि जब भी आप ज्वाइन करते हो आपको जय हनुमान जी लिखना है चैट बॉक्स में, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है। अभी एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ जय हनुमान जी, भाई वहां, अब मैं वहां थोड़ी देखूंगा, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में टीम में मैसेज करना है जय हनुमान जी, ठीक है, हर क्लास में, और आपको रेगुलरली चैट बॉक्स में लिखते रहना है, जब जब मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है नहीं क्लियर है तो वो लिखते रहूं। दीपांशु गर्ग आपको क्या क्लियर नहीं है भाई, देखो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, हिस्ट्री का, हिस्ट्री अगर क्लियर नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते, हिस्ट्री के बारे में मतलब मत सोचो, हिस्ट्री नहीं सर, ये एक्स मोनोमियल, ओके ओके, इसको 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 बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो मोनोमियल का क्या मतलब है, मतलब टर्म, एक टर्म होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिखा 3x2 - 5x + 7, इसमें कितनी टर्म है बेटा, मल्टीप्लीकेशन से टर्म डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से एक ही टर्म रहती है। तो अब जैसे इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये मोनोमियल नहीं होगा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो एक टर्म होनी चाहिए। टर्म कहने का मतलब है कि जैसे ये एक्स लिखा हुआ है तो एक टर्म है, टू लिखा हुआ एक टर्म है, 3x2y है ये भी एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, 3x/y ये भी मोनोमियल है, बट ये 3x2 इसमें कितनी टर्म आ गई, दो टर्म, तो ये मोनोमियल नहीं होगा। 3x2 - 5x + 7 इसमें कितनी टर्म आ गई, तीन टर्म, तो ये भी मोनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अभी भी स्टिल नहीं समझ आया तो अभी आगे देखो, अब नेक्स्ट हम बोल रहे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अभी समझ आ जाएगा सबको, घबराओ नहीं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म होंगी, दो, बाय से बन रहा है ना वो वर्ड, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स,
इससे आसान क्या होगा जीवन में आपके लिए? देखो x माइनस वाई कितनी टर्म है इसमें, दो टर्म है ना, प्लस माइनस से टर्म डिसाइड होती है, ये ध्यान रखना है। x पहली टर्म है, y दूसरी टर्म है, तो x माइनस वाई कितनी टर्म होगी, दो टर्म, तो क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल, ठीक है जी। अब ये बताओ x के y प्लस थ्री, इसमें कितनी टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, समझ आ रहा है सबको, इसमें भी कितनी टर्म है बेटा, दो टर्म ही तो है, प्लस आ गया क्योंकि, तो ये भी क्या होगा, बाइनोमियल। अच्छा एक्स वाई प्लस थ्री एक्स प्लस जेड, ये होगा कि नहीं होगा, ये बाइनोमियल होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें तीन टर्म आ गई, प्लस आ गए, दो प्लस आ गए तो तीन टर्म आ गए। अच्छा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये बताओ ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा, इसमें दो ही टर्म है क्योंकि एक ही प्लस आ रहा है, तो ये होगा, समझ आ गया बाइनोमियल किसको कह रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बताना, अब वन अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर वन बाय थ्री, ये बाइनोमियल है कि नहीं है, वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई की पावर वन बाय थ्री, ये बाइनोमियल है कि नहीं है, नहीं, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आ रही है, तो डिनोमिनेटर में प्लस माइनस से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ओवरऑल तो वो डिवीजन में चला गया ना बेटा, तो ये हमारा बाइनोमियल नहीं है। बट हाँ अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ वन अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर वन बाय थ्री प्लस सेवन, अब ये बाइनोमियल हो जाएगा। तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है, जिसके साथ क्रॉस लगा हुआ है, ये नहीं कि भाई ये सर ने बाइनोमियल लिखा है, इसमें एग्जाम्पल दे दिया और ये भी बाइनोमियल होगा, ऐसा नहीं है। जिसपे क्रॉस लगा हुआ है वो मतलब बाइनोमियल नहीं है, और जिसपे टिक लगा हुआ है वो बाइनोमियल है, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, नोट्स में ऐसे गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चलो जी ये हो गया अब आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो अब इसके बाद आ जाएगा ट्राइनोमियल, तो इसको अब मैं जल्दी जल्दी स्किप कर देता हूँ। ट्राइनोमियल की डेफिनेशन में क्या होगा, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होंगी, तो इसमें एग्जांपल लिख देता हूँ डायरेक्टली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ट्राइनोमियल, एक्स के वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इज ट्राइनोमियल, एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय एक्स वाई इज ट्राइनोमियल, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, ये सारे ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसके बाद हम बोल देते हैं मल्टीनोमियल। जनरली मतलब मल्टीनोमियल का मतलब है ज्यादा उसमें एक्सप्रेशंस होंगे, मतलब जरूरी नहीं है उसमें, मतलब मल्टीनोमियल में हम ट्राइनोमियल, ठीक है, बायक्वाड्रेटिक वाला जो जिसमें आएंगे, जिसमें चार टर्म्स आएंगे, कहने का मतलब है जैसे तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, वो सब मल्टीनोमियल में ले लेते हैं, तो मोर देन थ्री टर्म्स, थ्री और मोर देन थ्री टर्म्स। वैसे थ्री के लिए स्पेसिफिक एक और नाम भी है विच इज ट्राइनोमियल, थ्री और मोर देन थ्री टर्म्स को हम मल्टीनोमियल में ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस वन, ठीक है, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री, ऐसे जितने बनाने, जितना बनाने, प्लस बना लो, माइनस बना लो, या माइनस लगा देते हैं, तो आप बोलोगे माइनस दिया ही नहीं सर ने एग्जांपल में, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई जेड प्लस सेवन, इसमें पांच टर्म आ गई, ये सब क्या है हमारे पास, मल्टीनोमियल है, ठीक है, सबको समझ आ गया, ये सारे हमारे क्या है, मल्टीनोमियल। तो यहां तक आपको मैंने ये बता दिया कि भाई अब हमारा कंसर्न तो बाइनोमियल तक सीमित है इस चैप्टर में ना, हाँ मल्टीनोमियल भी हम पढ़ेंगे। इज मल्टीनोमियल आल्सो कॉल्ड पॉलीनोमियल, नहीं बेटा, पॉलीनोमियल में एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। पॉलीनोमियल जनरली जो आप पॉलीनोमियल पढ़ोगे उसमें क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। मल्टीनोमियल ऐसा भी हो सकता है, उसमें हो सकता है वेरिएबल हो बट एक से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है। जैसे आपके पास रियल पॉलीनोमियल जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल हम रखते हैं, एक्स रहेगा या तो वाई में रहेगा या जेड में रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें तीन तीन चार चार वेरिएबल एक साथ आ जाएं। बट मल्टीनोमियल में ऐसा हो सकता है कि मल्टीनोमियल बेसिकली ना टर्म से डिफाइन कर रहा है, वो वेरिएबल से डिफाइन नहीं कर रहा है। और जो रियल पॉलीनोमियल होता है, एक्स प्लस वाई बाय टू तो मोनोमियल हो जाएगा ना, एक ही टर्म तो है, नहीं एक्स प्लस वाई बाय टू, सॉरी, अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है देखो एक्स प्लस वाई बाय टू, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ये बाइनोमियल कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हो x by 2 plus y by 2, तो ये तो बाइनोमियल हो जाएगा, समझ गए जलज। बट हाँ जलज, अगर मान लो आपने ऐसा लिखा हुआ है 2 upon x plus y, अब ये मोनोमियल होगा। तो जो मोनोमियल और बाइनोमियल है बेटा, जो इसका हर्षित का डाउट था कि सर ये पॉलीनोमियल क्यों नहीं बोल रहे इसको, जो मोनोमियल और बाइनोमियल है ये टर्म से डिफाइन कर रहा है इस चीज को ना, अलग तरीके से इसको टर्म्स के ऊपर डिफाइन कर रहा है,
बट जो पॉलिनोमियल होते हैं वो वेरिएबल के ऊपर डिफाइन होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गए सबको? जो पॉलिनोमियल होता है वो वेरिएबल के लिए डिफाइन करते हैं. जैसे हम बोलेंगे x प्लस वन तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस x प्लस वन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड सो ऑन. चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है जी, चलो अब हम आते हैं कि भाई अब पास्कल की कहानी सुनते हैं कि पास्कल ने क्या बताया था. ठीक है, अब सुनो. अब पास्कल भी एक मैथमेटिशियन थे, तो उनका ट्रायंगल बहुत फेमस था, तो वही ट्रायंगल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से ये फेमस था. ठीक है, अच्छा अब पास्कल ट्रायंगल में क्या बताया पास्कल जी ने. पास्कल जी ऐसे बैठे हुए थे, प्रॉब्लम थी कोई, तो उसको वो सॉल्व कर रहे थे. तो उसने बोला कि भाई ए प्लस बी की पावर अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो वन आ जाता है. ठीक है, वन आता है, हम सब जानते हैं. ए प्लस बी की पावर अगर वन लेंगे, कोफिशियंट्स लिख रहे थे वो, ये ध्यान रखना है, वो ए और बी नहीं लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कोफिशियंट. तो ए प्लस बी की पावर वन लिखोगे तो ए आएगा और बी आएगा, मतलब ए प्लस बी तो आएगा, तो ए का कोफिशियंट वन और बी का कोफिशियंट वन. ठीक है जी, अब ए प्लस बी की पावर टू लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आती है इसमें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी. ठीक है, समझ आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ये वाली टर्म ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है वन, बी स्क्वायर का, ए बी का कोएफिशिएंट कितना है टू, बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है वन. तो वो लिखा, वो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए वन वन टू वन. अच्छा अब ये एक्सपेंशन होती कैसे है ना, ये एक्सपेंशन होती है कि हम डिग्री कम करते रहते हैं. जैसे मान लो अब a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन लिखना है मुझे, तो सबसे पहले a क्यूब लिखेंगे, फिर a की एक डिग्री कम करेंगे, b की एक डिग्री बढ़ाएंगे, क्या जाएगा 3a स्क्वायर b. फिर a की एक डिग्री कम करेंगे, b की एक डिग्री बढ़ाएंगे, फिर a की एक डिग्री कम करेंगे, b की एक डिग्री बनाएंगे. जो इसका कोफिशियंट आएगा वो कैसे आएगा, अब इसका पहला कोफिशियंट कितना आ रहा है वन, फिर नेक्स्ट कितना आ रहा है थ्री, फिर एक आ रहा है थ्री, एक आ रहा है वन. तो पास्कल ने ये बहुत अच्छी चीज पाई कि भाई उसने यहां तक ट्रायंगल लिखा, तो उसने कहा कि यार ये तो बड़ा सही चल रहा है. क्या सही चल रहा है, यहाँ वन था, इधर साइड साइड में इसकी साइड्स अगर मैं ट्रायंगल की देख रहा हूँ, अब ये जो ट्रायंगल बन गया है इसकी साइड में सारे वन 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 है, दूसरी साइड में वन 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 है, और बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है, वन प्लस वन टू आ रहा है, समझ रहे हो. इधर वन प्लस टू कितना आ रहा है थ्री आ रहा है, इधर वन प्लस टू कितना आ रहा है थ्री आ रहा है. फिर उसने बोला कि भाई काम करता हूँ, नेक्स्ट लिखता हूँ मैं. अब नेक्स्ट लिखा, वन प्लस थ्री कितना आएगा फोर, उन दोनों के बीच में लिखना है, थ्री थ्री का सम कितना आएगा सिक्स, थ्री वन फोर, यहाँ पे फिर वन आ गया. फिर पास्कल ने कहा कि भाई ये तो बात सही बन रही है. अब फिर उसने मल्टीप्लाई करके चेक किया, क्योंकि भाई उसके उसके पास ऐसा तो और कुछ था नहीं, वो तो बस ऐसे मल्टीप्लाई कर करके निकाल रहा था, तो उसने एक सही ऑब्जर्वेशन देखी है. तो अब उसने लिखा तो और आया क्या, असली में ही आ गया, ए फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी फोर, ये आ गया. तो वो वैसे ही आ गया, वन फोर सिक्स फोर वन आ गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा आप समझ रहे हो, नेक्स्ट क्या आएगा, ए प्लस बी की पावर फाइव जो आएगा उसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, ए की पावर फाइव, फिर क्या आएगा उसके बाद, यहाँ इन दोनों का सम फाइव, यहाँ पे टेन, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा. तो समझ आ गया पास्कल ने क्या किया. अब पास्कल के जो ट्राइंगल की एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी, बताओ भाई मुझे, चैट बॉक्स में लिखो या माइक से बता सकते हो. बोलो भाई, बोल ही नहीं रहे हो, चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो इसकी सर होल नंबर, होल नंबर के लिए होगा भाई. आवाज क्लियर नहीं आ रही नवदीप तेरी, तू चैट बॉक्स में लिख दे, कैनॉट बी ड्रॉन फॉर हायर पावर्स. हाँ बहुत बढ़िया, अंकित कह रहा है याद करना पड़ेगा. भाई याद तो नहीं, इसमें याद कुछ करना नहीं है, ऐसे बना बना के लिखते रहो, याद कुछ करने की जरूरत नहीं. हाँ विधि भी सही कह रही है, मतलब अब वो कह रहे हैं कि भाई मान लो पास्कल ऐसे लिखने लग गया, अब मान लो आप पास्कल हो, ठीक है, ऐसा मान लो आप अपने आप को कि भाई मैं पास्कल हूँ, अब ऐसे मैं मतलब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, अब जैसे ही फिर तुम मेरे पास आओगे, तुम कहोगे कि भाई मैं तो शातिर हूँ, तो मैं कहूंगा चल ए प्लस बी की पावर सेवन निकाल, तब तू बहुत खुश हो जाएगा.
तो क्या करेगा सर, ए प्लस बी के पास सेवन, तो मैं निकाल ही दूंगा। कैसे निकालूंगा भाई, सम कर करके, सिक्स का मेरे को आते ही है, एक मैं ट्राइंगल और बनाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे वन लिखूंगा, यहाँ इन दोनों का सम सिक्स, यहाँ फिफ्टीन, यहाँ ट्वेंटी, यहाँ फिफ्टीन, यहाँ सिक्स, यहाँ वन, ठीक है। तो तू ऐसे एक बार और सम निकालेगा, तेरे पास ए प्लस बी के पास सेवन आ जाएगा, ए प्लस बी के पास सिक्स है, ठीक है। बट जैसे मैं बोलूंगा ए प्लस बी की पावर, तू एक काम कर 21 निकाल, फिर वहां पे तेरी टाइम टाइम फेस हो जाएगी, क्योंकि तू अब देखो बैठ के बनाना पड़ेगा। फिर जैसे तू ए प्लस बी की पावर 21 पे पहुंचेगा, देखो कोई बोल देगा ए प्लस बी की पावर 99 निकाल, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, आप समझ रहे हो। तो पास्कल की ये ड्रॉबैक थी कि भाई बैठ के उसको ये करना पड़ रहा था, वो बेचारा फिर उसने हार मान ली कि भाई अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा, मैं भी मतलब बस मेरा आप बुक में नाम छाप देना कि मैंने इतना ट्राइंगल बना दिया था, ये भी एक बहुत बड़ी खोज है। तो और उस टाइम पर क्योंकि ठीक है, मतलब किसी ने इतना भी बता दिया वो भी बड़ी बात हो गई कि भाई चलो उसने सॉल्व तो कर दिया। अब मान लो किसी को ए प्लस बी की पावर 99 निकालना है, तो उसको और अगर मैथ्स वैथ्स नहीं आती है तो उसने इसकी हेल्प से निकाल दिया। चलो जी ये बात बन गई। अब थोड़ा क्या हुआ, फिर मैथ्स का एवोल्यूशन थोड़ा सा और हुआ, ठीक है। फिर कुछ और इंटरेस्टिंग लोग आए और उन्होंने फिर बोला कि एक काम करो भाई, अब देखो एक आपको अच्छा तरीका बताते हैं। हाँ सब लोगों को ये क्लियर हो गया, अप्लाई ओनली फॉर होल नंबर्स। हाँ नवदीप ने जैसे बताया, हाँ एक चीज ये भी है कि ये होल नंबर पे लगेगी। हाँ नवदीप ने एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि भाई सर ये तो आप ए प्लस बी के पास जीरो निकाल रहे हो, ए प्लस बी के पास वन निकाल रहे हो, टू निकाल रहे हो, थ्री निकाल रहे हो, ए प्लस बी के पास हाफ तो निकालोगे ही नहीं। तो वो तो इसके बाद का प्रॉब्लम था नवदीप, ऐसा हुआ था यही चलता रहा। तो आधी आधे मतलब आप मान लो 5-6 साल तो यही चलता रहा, ए प्लस बी की पावर 100 निकालना सिखा दो भाई, ए प्लस बी की पावर 97 निकालना सिखा दो, ये सभी चलता रहा बायनोमियल के ऊपर। फिर अचानक से न्यूटन का एक प्रॉब्लम आया कि भाई 1 + x की पावर हाफ निकालना है मुझे, वेयर x इज लेस देन 1। तो फिर लोग वहां पे वो कहते भाई ये तो हमें तो अभी तो हमारे लिए यही जद्दोजहद थी कि ए प्लस बी की पावर 97-98 कैसे निकालना है, तू भाई हाफ लेकर आ गया साथ में। तो फिर न्यूटन ने उस पर मतलब कैलकुलस को यूज करके वो निकाला था, ठीक है। अच्छा तो अभी हम आते हैं बेसिकली कि अब हम ये प्रॉब्लम तो हमें क्लियर होगी कि भाई ये सॉल्व तो हो जाएगा, बट ये लेंथी मेथड हो रहा है जो ए प्लस बी की पावर 21 है, ए प्लस बी की पावर से 25 है, 26 है, 97 है, 100 है, ये निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं वो अब हम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो समझते हैं। अब इसके लिए क्या हुआ कि जैसे जैसे मैथ सब आगे बढ़ रहा था तो पीएनसी और पीएनसी में भी मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब आगे विकास होने लग गया, मतलब लोगों ने पीएनसी को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो अब थोड़ा सा मैं पीएनसी में यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि पीएनसी में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये जो फॉर्मूला है, ये भी न्यूटन से पहले की कहानी बता रहा हूँ आपको। तो ये जो फॉर्मूला ये कैसे आया, अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं एबीसी, कुछ बच्चों को ये पता होगा, कुछ को जिनको नहीं पता वो समझने की कोशिश करना। तो 3 बच्चे हैं हमारे पास एबीसी, मैंने आपको बोला कि इन 3 बच्चों को तू क्या कर, इन 3 बच्चों को तू एक लाइन में तेरे को बिठाना है। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 डेस्क हैं या 3 टेबल्स हैं, इन 3 बच्चों को इन 3 टेबल्स पे बैठाना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये कुछ ऐसे फालतू बात नहीं कर रहे, ये आपके आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगी, तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एबीसी है हमारे पास, 3 टेबल है, हमें बच्चों को इन 3 टेबल पे बिठाने हैं। तो अब एक बच्चा बोलेगा सर मैंने तो ऐसे करना है, एबीसी को ऐसे बिठा दिया, ठीक है। फिर एक बच्चा आएगा वो कहेगा सर आप ए को आगे ही रखो और बी और सी को स्वैप कर लो। तो इनको हम बोलते हैं अरेंजमेंट, मैं अभी ये अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, मतलब एबीसी को मैं अरेंज कर रहा हूँ एक रो में, एबीसी को मैं क्या कर रहा हूँ एक रो में अरेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे कितने वेज बन सकते हैं वो अब मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ अभी फॉर द टाइमिंग। तो जैसे मान लो ये हो गया, तो एक बार मैंने ए को रखा आगे, अब मैंने बी को रख दिया, ठीक है। फिर एक बार मैं सी को रख दूंगा, ये सबको समझ आया, और नहीं बनेंगे बस ये 6 बनेंगे। कैसे, एक बार आपने ए को आगे रख लिया, बी सी सी भी 2 बना दिए, फिर एक बार बी को आगे रख दिया, ए सी और सी ए बना दिया, एक बार सी को आगे रख दिया, ए बी और बी ए बना दिया। सबको ये बात समझ आ रही है, तो 6 पेज बनेंगे। अब ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, मान लो कि भाई अंकित जी पहले बैठे हुए हैं, भवित जी बाद में बैठे हैं और चिराग जी में बैठे हुए हैं, ठीक है रो में, और अब अंकित जी आगे बैठे हैं, फिर चिराग जी बीच में बैठ गए और जो भवित है वो इधर बैठा हुआ, तो गड़बड़ी है ना। तो ये अलग ही तो हो गया, ये अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। हाँ पंकज उसको 3P3B बोलते हैं, बट अभी हम पी से नहीं करेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनो, ठीक है। तो एबीसी एसीबी बीएसी, ये समझ आ गए हमारे पास कितने वेज हो गए,
मतलब सिक्स वेज हो गए। अब ये जो नंबर आता है ये नंबर हमारा 3 factorial के बराबर है, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम बाद में पीएनसी में सीखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो। ये 3 factorial आता है। अब ये फैक्टोरियल आपको पता होगा, हमने क्वाड्रेटिक वगैरह में डिस्कस किया हुआ है। जिसको नहीं पता है, 3 factorial इज 3 × 2 × 1, तो ये 6 के बराबर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन भी बताना पड़ेगा। 0 factorial 1 के बराबर होता है, 1 factorial 1 के बराबर होता है, 2 factorial 2 × 1, ये सीक्वेंस सीरीज में बताया था मैंने आपको, मेरे को याद आ रहा है। 2 factorial इज 2 × 1, 3 factorial इज 3 × 2 × 1, मतलब 1 तक उसको मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो भी नंबर का फैक्टोरियल है उसको 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 factorial इज 4 × 3 × 2 × 1, सो दिस वैल्यू विल बी 24। 5 factorial इज 5 × 4 × 3 × 1, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 120 आता है, एंड सो ऑन। तो इतना हमें पता होना चाहिए बस। तो मैंने क्या बोला कि 3 बच्चों को अगर मैं एक रो में अरेंज कर रहा हूँ उसके कितने वेज हो जाएंगे, 3 factorial वेज हो जाएंगे। हाँ, जो 0 factorial है 1 क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे या पीएनसी में डिस्कस हो जाएगा, तो अभी उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद एक 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूंगा आदित्य, तो घबराना नहीं, ऐसे मतलब हड़दंग नहीं मचाना है कि भाई क्या हो गया। अभी मान लो जो चीज जहाँ पे आएगी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि AMGM इनइक्वालिटी हम AMGM का डेरिवेशन करेंगे कभी ना कभी, तो हमने AMGM का डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्री में किया था, तो वो हम आगे करेंगे, घबराओ नहीं। चलो अब आते हैं, ABC को अगर अरेंज करना था तो इसके कितने फेज हो गए, 6 फेज हो गए, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो मैं बोलता हूँ ABCD को अरेंज करना है, तो ABCD को जब आप अरेंज करोगे तो 4 factorial वेज आएंगे, विच इज 24। समझ आ रहा है सबको कैसे, सेम इसी वे में। अगर ABC को मैंने अरेंज किया था 3 factorial वेज थे, ABCD को अरेंज करूंगा तो 4 factorial वेज होंगे, विच इज 24। आप लिख कर देख सकते हो, अब ABCD आपने लिखा, अब आप इसको अरेंज करते रहो बैठ के, 24 आएंगे, 24 लाइन बनेंगे, इसमें एक AB बनेगा, फिर ABDC बनेगा, ऐसे करते करते अगर आप लिखोगे तो 24 डिफरेंट वेज बनेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे को ये पूरी आपको कहानी नहीं सुनानी है, मुझे जो बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करने में मेरी हेल्प करेगा मैं वो वाली कहानी आपको सुनाने में इंटरेस्टेड हूँ। अब मान लो ये जो हमने किया ABC के ये 6 वेज लिखे, अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास ऐसा सिनारियो आ गया, ठीक है, जिसमें मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये हमारे 6 वेज थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास AAB का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ABC नहीं हुआ। अभी तो हम बच्चे ले रहे थे तो बच्चे तो अलग अलग होंगे, अंकित जी, भगत जी और चिराग जी तो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि हमने बोला कि भाई मेरे पास 2 एप्पल है, ठीक है, और 1 कोकोनट है, ऐसा बोल देते हैं, 2 एप्पल है और 1 कोकोनट है। अब 2 एप्पल जो है उनको मैंने बोल दिया एकदम आइडेंटिकल है, उनको अलग अलग नहीं मानना है, तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा वो निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो अब देखते हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, जो ये बी था बी की जगह ये रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब AAC आ गया, तो बी की जगह ये रखो, तो जितने बी आ रहे हैं उसकी जगह ए रख दो आप, ठीक है। तो इस बी को हटा के मैंने क्या किया, ए रख दिया, ठीक है, पहले सारे बी हटा देते हैं, जहां जहां बी आ रहे हैं उसको हटा देते हैं। तो इस बी को हटा के मैंने ए रख दिया, इस बी को हटा के ए रख दिया, यहाँ ए रख दिया, यहाँ ए रख दिया, यहाँ ए रख दिया, ठीक है। तो मैंने सब बी की जगह हटा के ए रख दिया। तो अब आप देखो कौन कौन से अरेंजमेंट आपके सेम हो रहे हैं, जैसे आप ये AAC है तो ये AAC हो गया, दोनों सेम हो गए, अब अलग अलग थोड़ी हुए, ये दोनों तो क्या हो गए, सेम हो गए। ACA हुआ और ACA हुआ, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। CAA हुआ, CAA हुआ, ये भी सेम हो गए। तो हमारे पास क्या आया, AAC, AAC सेम हो गया, ACA, ACA सेम हो गया, और CAA, CAA सेम हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब अगर आपके पास चीजें आइडेंटिकल हो जाती हैं, ठीक है, 2 चीजें सेम हो जाएंगी या 3 चीजें सेम हो जाएंगी तो थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, अब वो देख लेते हैं। तो AAC जो आया उसके कितने अरेंजमेंट बने, 3 factorial by 2 factorial, 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो ये 3 आया, 3 वेज आए इसमें, इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट के। अब मान लो मैं बोलता हूँ AA BBB, इसके अरेंजमेंट बताने हैं, तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन अ रो, अरेंजमेंट जो हम करते हैं वो इन अ रो ही करते हैं जनरली। तो इसमें टोटल कितनी चीजें हैं, 5 चीजें, तो ऊपर टोटल आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, 2 factorial 3 factorial। 2 factorial क्यों आया, क्योंकि 2A हैं और 3B हैं, ठीक है, समझ गए।
इसको हम बोलते हैं 5C2, इसको बोला जाता है 5C2, पांच में से दो को सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट, इसको सिलेक्शन बोलते हैं वैसे ना, अभी वैसे आप फॉर्मूला देखना है इसका, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अब साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है अभी। अब मान लो मेरे पास ऐसा है, तीन चीजें हैं और चार चीजें हैं, इनको अरेंज करना है, इनके कितने वेज आएंगे, ठीक है, इनको अरेंज करने के कितने वेज आएंगे, इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज आ जाएंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7C3। 7C3 और 7C4 दोनों की वैल्यू सेम आती है एक्चुअली में, ठीक है, 7C3 और 7C4 की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इसका इस पे फॉर्मूला लगाओ एक बार, 7C3 पे फॉर्मूला लगाओ, ये वाला n कितना हो गया 7, तो ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, r कितना हो गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अभी वैल्यू निकालने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, समझ आ गया ये दो टर्म्स के लिए अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 7C3 के बराबर आ रही है। अच्छा अब मान लो अगर मैं बोलता हूं मेरे पास ए ए बी 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 सी 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 सी, ये है, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितने होंगे, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके लिए एनसीआर का फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीआर के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में एक फैक्टोरियल होता है और डिनोमिनेटर में दो फैक्टोरियल होते हैं, और एनसीआर इसलिए भी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये इसमें तीन टर्म आ रही है, तो ये ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल में जाएगा इसका फॉर्मूला, बाइनोमियल में नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई अब आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब आगे सुनो, अभी मैं आपसे, अगर किसी को डाउट है तो अभी भी सुनते रहो, अभी आगे जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमें ये याद करना है, NCR किसके बराबर होता है, n factorial by r factorial, n minus r factorial। इसकी और जो भी कहानी है आपको आगे बताई जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सपेंशन पे, कि भाई अब मेरे को binomial expansion सीखना है कि भाई क्या है। तो मैंने क्या किया, a plus b की पावर 3 के एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ, ठीक है, a plus b की पावर 3 के एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपको पता भी है फॉर्मूला, या a plus b की पावर 2 से लेते हैं, चलो ये तो आप सबको पता ही है। अब करना क्या होता है, जैसे आपने a square लिखा, जो अब मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या बताया, क्योंकि पीएनसी भी आ गया था, तो उसने बोला कि भाई क्या करो, पहले ए की पावर 2 लिखो, फिर एक ए की पावर को कम करो और एक बी की पावर को बढ़ाओ, फिर आपने ए भी लिख दिया, फिर आपने बी स्केयर लिख दिया, ये लिख दिया। अब जितने नंबर से, अब उसका कोफिशियंट निकालने की तो दिक्कत थी भाई, पास्कल ने क्या किया था, इसका कोफिशियंट ही तो निकाल रहा था वो बैठ के, वो ट्राइंगल की हेल्प से इसका कोफिशियंट निकाल रहा था, उसको पता तो ये था ही, अब वो कह रहा था इसका कोफिशियंट मेरे लिए दिक्कत हो रही है, वो ट्राइंगल बनाया उसने। इसका जो कोफिशियंट आएगा वो क्या आएगा, जितने वेज में ये अरेंज हो जाएगा वो इसका कोफिशिएंट आएगा। अब जैसे ए ए वाली टर्म है आपकी, ये कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि टोटल 2 है और सेम भी कितने कितने टर्म्स हैं जो सेम है, तो ये 1 वेज से अरेंज होगी, तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट 1 आता है। ए बी कितने वेज से अरेंज होगा, 2 टर्म है डिस्टिंक्ट है, तो 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा, ये 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर कितने वेज से अरेंज होगा, 1 वेज से अरेंज होगा, तो इसलिए इसका आ गया ए स्केयर प्लस 2ab, 2 फैक्टोरियल इज 2 इनटू 1 प्लस बी स्केयर। नहीं समझ आया, अभी एक और सुनो, a प्लस बी का क्यूब, अब इसका एक्सपेंशन करना था, तो जो अब जो मैथमेटिशियंस थे, क्योंकि ये मतलब किसी एक मैथमेटिशियन ने नहीं दिया, ये कुछ ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियंस ने दिया, तो इस पे कुछ नाम वाम नहीं डाला किसी का भी, तो a क्यूब, फिर उसने क्या बोला भाई, सबसे पहले a क्यूब लिख, फिर क्या लिख, एक a की पावर को कम कर, एक b की पावर को बढ़ा दे, फिर क्या कर, एक a की पावर को कम कर, एक b की पावर को बढ़ा दे, फिर क्या कर, एक ए की पावर को कम कर, एक बी की पावर को बढ़ा दे। इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, जितने वेज में ये अरेंज होगा, ए ए ए कितने वेज में अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा, ठीक है, सुनना आप ध्यान से। ए स्क्वायर बी कितने वेज में अरेंज होगा, 3 टोटल है, 2 ए है, 1 बी है, ठीक है, ये कितने वेज से अरेंज होगा, 3 टोटल है, 1 ए है, 2 बी है, ये कितने वेज से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब हुआ क्या, ये वाली वैल्यू आपकी बन गई 3C0A³, ठीक है, 3C1A²B, 3C2AB² 3C3B³। अब देख लो अगर आपको डाउट हो रहा है, 3C0 का क्या फॉर्मूला होता है, 3 फैक्टोरियल, 3C0 का फॉर्मूला 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वही तो लिखा हुआ है ऊपर। 3C1 का फॉर्मूला
थ्री फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वही सेम टर्म लिखी हुई है, टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल को आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। थ्री सी टू का फॉर्मूला थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल सेम मैच कर रहा है। थ्री सी थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल पहले ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, तो वो भी सेम है। ठीक है, अब आप ए प्लस बी की पावर फोर का लिख लो, ए प्लस बी की पावर फोर का क्या आएगा, ए फोर। ठीक है, क्या आएगा, चार टर्म है, फोर फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, ए क्यूब बी, चार टर्म है, तीन ए की है एक बी की है, ए स्केयर बी स्केयर, चार टर्म है, दो ए की है दो बी की है, ए बी क्यूब, चार टर्म है, एक ए की है तीन बी की है, बी फोर, चार टर्म है चारों बी की है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, फोर सी जीरो ए फोर, फोर सी वन ए क्यूब बी, फोर सी टू ए स्केयर बी स्केयर, फोर सी थ्री ए बी क्यूब, फोर सी फोर बी की पावर फोर। अब भाई यहां तक जो है वो मुझे बताओ, कुछ किसको कुछ भी कंफ्यूजन है वो बताओ, फिर मैं वो रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंकित कौन सी नोटेशन कह रहे हो आप, सी का बेटा फॉर्मूला है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले आपको ये लिखना है जैसे एनसीआर लिखा हुआ है तो पहले ही ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका फैक्टोरियल, वो डिनोमिनेटर में आएंगे दोनों, एन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, एन माइनस आर फैक्टोरियल इसका डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो भाई किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। हाँ बेटा, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। ए बी फोर का था, ए प्लस बी की पावर फोर। अच्छा, बता रहा हूँ उनको, ठीक है जी, अब सुनो फिर दोबारा से। अब जैसे ए प्लस बी की पावर फोर का ये बच्चा कह रहा है, तो करना क्या है, a प्लस बी की पावर फोर में पहले तो a की पावर फोर लिख दो, फिर एक a की पावर कम करो, एक b की पावर बढ़ा दो, फिर एक a की पावर कम करो, एक b की पावर बढ़ा दो, तो एक a की पावर कम करेगा a स्क्वायर आ जाएगा, एक b की पावर बढ़ाएगा तो b स्क्वायर आ जाएगा, फिर ab क्यूब आएगा, फिर a की पावर जीरो और b की पावर फोर आ जाएगा। अब a की पावर फोर में कितने, चार a हैं, कितने वेज में अरेंज होंगे, फोर फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल में। a क्यूब b में कितने हैं, a क्यूब b में कितनी टर्म है हमारे पास, तीन a की टर्म है और एक b की टर्म है, तो क्या होगा टोटल कितने होंगे, चार, तो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल, तीन ए की टर्म एक बी की टर्म, ए स्केयर बी स्केयर, चार टोटल टर्म है, दो ए की टर्म दो बी की टर्म, चार टोटल टर्म है, एक ए की टर्म तीन बी की टर्म, चार चार टोटल टर्म है, जीरो ए की टर्म और चार बी की टर्म। अब फोर सी फोर इज फोर सी जीरो, क्योंकि फोर सी जीरो किसके बराबर होता है, देखो फोर सी जीरो होता है फोर फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, ये वाला ये फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, ये वाला फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में। 4c1 किसके बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में 1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में, वही तो है। 4c2 किसके बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में, वही टर्म तो है, समझ आ गया। तो ये बेसिकली अब ये जो निकला उस टाइम पे, ये अरेंजमेंट की हेल्प से निकला। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम आ गए कि भाई चलो अब तो मैं a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला निकाल दूंगा, उसको अब a b की जगह मैं x और y लिख देता हूँ, क्योंकि जनरली बुक्स में x प्लस y लिखा रहता है, तो x प्लस y की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x प्लस y की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और ऑब्वियसली x y आर रियल नंबर्स, जैसे एक्स वाई रियल हटा देते हैं, कॉम्प्लेक्स पे भी लग जाता है ये फॉर्मूला ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स प्लस वाई की पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब इसको याद कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इसमें ये मैटर करता है, जब भी आपको एग्जाम में वो देगा, इसमें ये मैटर करेगा कि एक्स आगे आ रहा है या वाई पीछे आ रहा है। ठीक है, तो वो मैटर करता है, क्यों मैटर करता है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं उसमें, मान लो जैसे मान लो हमारे पास पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगी, अब मैं फोर्थ टर्म बोलूंगा तो अगर आप बिगनिंग से लिखोगे वो अलग टर्म आएगी, अगर आप पीछे से फोर्थ टर्म लिखोगे तो वो अलग टर्म आएगी। जैसे हम सीक्वेंस सीरीज में भी देखा था ना हमने, अगर मान लो कोई एक सीक्वेंस एपी में है तो आप फ्रंट से लिखोगे वो अलग बात है, बैक साइड से लिखोगे तो अलग बात है, इसलिए
अगर उसने प्रॉब्लम में x प्लस वाई दिया हुआ है तो आपको x प्लस वाई ही करना है. इनफैक्ट ये और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर तो है, कोई दिक्कत नहीं है. x प्लस वाई की पावर n और y प्लस x की पावर n बराबर है, प्रोवाइडेड मतलब नेगेटिव कॉमन ना आ रहा हो. अगर नेगेटिव कॉमन वगैरह आ रहा होगा तो गड़बड़ होगी ना. अगर मान लो कोई एक नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव हुआ तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि माइनस वन की पावर एन फिर एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी उसमें. तो एक्स प्लस वाई की पावर एन जो है वो वाई प्लस एक्स की पावर एन के बराबर तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप अंदर कुछ भी चेंज नहीं करते हो तो ये उसके बराबर रहेगा हमेशा. बट अगर मैं एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिखूंगा या वाई प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखूंगा तो फिर रिवर्स होंगे एक दूसरे के. इधर की जो फर्स्ट टर्म होगी वो उसकी लास्ट टर्म बनेगी ना, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया, इसीलिए. तो उसको जिस पैटर्न में वो देगा उसी पैटर्न में लिखना है. अब आपको याद कैसे करना है, ये जो एक्सपेंशन है ये इसके बराबर है. पहले एन सी जीरो लिखो, ठीक है. जो पहला टर्म है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस है, और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर ये बेस है. जो वाई है उसकी उसकी पावर ये जो बेस में आएगा वो है, और जो एक्स है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस है. नेक्स्ट देखना, एन सी वन एक्स की पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस वन वाई की पावर वन. एन सी टू एक्स की पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस टू वाई की पावर टू. फिर क्या आएगा, एन सी थ्री एक्स की पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस वाई की पावर थ्री. समझ गए. एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर वाई की पावर फोर. ऐसे चलता रहेगा. लास्ट में आप क्या जाएगा, एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन वाई की पावर एन. समझ गए. तो इसको अब एक बार और लिख देते हैं. तो क्या बनेगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, सो ऑन टू एन सी आर. बीच में आर लिख देते हैं. एक्स की पावर में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस वाई की पावर में क्या आएगा, जो आर है, सो ऑन टू एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन. तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है. तो अब इसको लिख देते हैं, ये फॉर्मूला ही तो हो गया हमारा. अच्छा, इसको समेशन में भी एक बार लिख देता हूँ. इसको मैं समेशन में ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन. एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, वेयर आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन. ठीक है, तो ये हमारे इसका फॉर्मूला. ये समझ आ रहा है कैसे लिखा हुआ है. अब देखो, आर को आप जीरो गिरोगे तो क्या आएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो. आर को वन गिरोगे तो क्या आएगा, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन. आर को टू गिरोगे तो क्या आ जाएगा, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू. ठीक है, देखो एक बार दोबारा से सुनो. एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा था मैंने, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट करने को. एन सी जीरो एक्स की पावर क्या, एक्स की पावर में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस जीरो, वाई की पावर में जीरो. एन सी वन एक्स की पावर में क्या आएगा, एन माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस एन और वन का डिफरेंस, वाई की पावर में क्या आएगा, वन. एन सी टू एक्स की पावर में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस टू वाई की पावर टू, सो ऑन टू एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन वाई की पावर एन. तो ओपन अप करके ये बन गया. अब इसको समेशन में मैं ऐसे लिख रहा हूँ. अब इसको ओपन अप करोगे तो ये तो आएगा, आर को जीरो गिरो, समेशन का मतलब पता है ना सबको, प्लस करते रहना है और आर की वैल्यू पुट करते रहना है. आर को जीरो पुट करोगे, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, वाई की पावर जीरो वन होता है. फिर आपको वन पुट किया, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, सो ऑन टू एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन वाई की पावर जीरो. यहां तक बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ. ठीक है, ऑल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया. अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को जो आपने एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखा है, इसी को हम इसको एक थ्योरम का नाम देते हैं, विच इज बायनोमियल थ्योरम. ठीक है, सो एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे, द फॉर्मूला बाय विच एनी पावर ऑफ binomial expression can be expressed in form of a series. Series याद है आपको, series की definition क्या होती थी, sequence के बीच में आप sign लगा देते हो,
तो जो भी सीक्वेंस है उसके बीच में प्लस माइनस के साइन लगा दोगे तो वो सीरीज बन जाती है. तो इसमें प्लस के साइन है इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको. अब एनसीआर का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत यूज होगा यहाँ पे. एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल. एनसीआर किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल. कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को भी? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हम ना अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं इन चीजों को. अब इसकी और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना सब लोग. तो अब आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया एक्चुअली में कि भाई x प्लस वाई की पावर n पे जो खोजबीन हुई है हिस्ट्री में वो क्या थी और इसका फॉर्मूला किस तरीके से थोड़ा पिक्चर में आया. x प्लस वाई की पावर हाफ, x प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री, ये सब चीजें हम थोड़ा लेट करेंगे. ये चैप्टर जैसे आगे आगे बढ़ेगा उसके बाद करेंगे. ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ओनली, x प्लस वाई की पावर n. ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ऑब्वियसली n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, अभी भी हम लिख ही चुके हैं इसको, बस थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं क्योंकि मेरे को इसके बाद x माइनस वाई की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, 1 माइनस x की पावर n, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखनी है तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? समेशन ऑफ r 0 टू n एन सी आर x की पावर n माइनस r y की पावर r. समझ आ गया? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर. इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर एन इज एन सी जीरो एक्स की पावर एन एन सी वन एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस वाई की पावर बेस एन सी टू एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस वाई की पावर टू ऐसे करते करते एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन. अच्छा, सेकेंड फॉर्मूला है मेरे पास एक्स माइनस वाई की पावर एन. अच्छा, अब ये कैसे बनेगा? वो ऑब्वियसली n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए सब चल रहा है यहाँ पे. अब इसमें क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा आता है r 0 टू n n c r x की पावर क्या आएगा n माइनस r. अब y की जगह क्या रखना पड़ेगा? माइनस y रखना पड़ेगा, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस वन की पावर r x की पावर n माइनस r y की पावर r. समझ आ गया होगा माइनस वन की पावर r कैसे लिख दिया? माइनस वाई की पावर आर जो है उसको कैसे लिखोगे? माइनस वन की पावर आर इंटू वाई की पावर आर. ठीक है, तो इसको ओपन अप करेंगे तो क्या आएगा? आप देखो एक्स प्लस एक्स माइनस था एक्स माइनस वाई की पावर एन, ये किसके बराबर आएगा? एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन. ऑल्टरनेट साइन हो जाएंगे एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री y की पावर थ्री ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो माइनस वन की पावर n y की पावर n, क्योंकि माइनस y की पावर n को हम लिख सकते हैं माइनस वन की पावर n इंटू y की पावर n. तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. अब तो मतलब आपको बस अगर एक फॉर्मूला याद है आप सारे निकाल सकते हो. ये फॉर्मूला कैसे आ गया? y की जगह माइनस y गिर दिया हमने, y की जगह माइनस y गिरेंगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट आते हैं थर्ड. x प्लस वाई रेस टू द पावर n हैज n प्लस वन टर्म्स. ये कैसे लिख दिया? अब देखो ध्यान से, जब आपने यहां से भी देख सकते हो आप, जो आपने पास्कल ट्रायंगल वगैरह भी पढ़ा था यहां से भी देखते हैं ना, स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा था, जैसे ये रहा ना हमारा पास्कल ट्रायंगल, जब a प्लस बी की पावर वन थी, ये a प्लस इसमें कितनी टर्म थी? दो टर्म थी. जब a प्लस बी की पावर टू था तो कितनी टर्म थी? तीन टर्म थी. a प्लस बी की पावर थ्री था तो कितनी टर्म थी? वन टू थ्री फोर, फोर टर्म्स थी. a प्लस बी की पावर फोर था तो फाइव टर्म्स थी. यहां से अब आप देखो जो हमने अभी पढ़ा है, x प्लस वाई की पावर n है तो इसमें अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो n प्लस वन टर्म्स आएंगी. वो मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ? एन सी वन एन सी टू एन सी एन. तो एन सी वन पहली टर्म मान लो इसको, एन सी टू दूसरी टर्म मान लो, एन सी एन आपकी nth टर्म होगी, एक एनसी जीरो वाली भी बैठी हुई है, इसलिए टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? एन प्लस वन टर्म्स आएंगी.
तो x प्लस वाई की पावर n में कितनी टर्म्स आएंगी, n प्लस वन टर्म्स आएंगी, समझ आ गया? x माइनस वाई की पावर n में भी कितनी टर्म्स आएंगी, n प्लस वन टर्म्स आएंगी। तो आपके पास x प्लस वाई की पावर n हो जाए या x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई की पावर n हो जाए, अगर बाइनोमियल टर्म है उसकी पावर n है तो उसमें n प्लस वन टर्म्स आएंगी ही आएंगी। अच्छा, अब टर्म कैसे डिफाइन करते हैं? अब आपने बोला कि सर मैंने तो क्या किया ना, जैसे अब x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दी, फिर कितनी टर्म हो जाएंगी? अगर आपकी पावर सेम नहीं है तो उसको अलग अलग आप टर्म मानोगे। जैसे मान लो y स्क्वायर है और y क्यूब है, ऐड हो रहे हैं तो ये दो टर्म ही काउंट होंगे। बट अगर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा तब तो ये एक ही टर्म हो जाएगा ना, तब दो टर्म थोड़ी होंगे, तब तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगी, क्योंकि y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को तो आप क्या लिख दोगे, 2y स्क्वायर, तो वो सिंगल टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चंस में यूज होगा। चलो जी, एक चीज हमें ये क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम लिखते हैं जनरल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जनरल टर्म याद है आपको? अच्छा, जनरल टर्म का क्या मतलब होता है, जैसे आप उसमें नहीं लिखते थे आर एच टर्म, या इसमें लिखते थे एपी में भी लिखी थी आपने ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स ऑफ डी टी आर। हाँ, तो जैसे आप उसमें जीपी में लिखते थे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो वो एनएथ टर्म या जो भी आर एच टर्म है वो लिखने की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो जनरल टर्म है हमारी इस केस में, तो मैं अगर बोलता हूँ एक्स प्लस वाई की पावर एन है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी जो जनरल टर्म है टी आर प्लस वन से लिखते हैं हम उसको, टी आर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टी आर प्लस वन लिखते हैं। तो यहाँ पे आर प्लस वन इसके सफिक्स में ही है, मतलब बेस में ही है, तो टी आर प्लस वन क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें जीरो आ रहा है। देखो इधर देखो, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, जीरो, सेकंड टर्म में वन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में जीरो आ रहा है, सेकंड टर्म में वन आ रहा है, थर्ड टर्म में टू आ रहा है, तो वो या तो आप आर लिखोगे तो यहाँ बेस में आर माइनस वन लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको कॉम्प्लिकेट ना करके टी आर प्लस वन लिखते हैं। तो टी आर प्लस वन किसके बराबर आएगा आपके पास, एन सी आर, एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर, वाई की पावर आर। तो ये हमारी टी आर प्लस वन एथ टर्म है, समझ आ गया? टी आर प्लस वन एथ कैसे लिखा हुआ है, और इसमें आर कहां से कहां वेरी करेगा, आर विल वेरी फ्रॉम जीरो वन टू थ्री सो ऑन टू एन, समझ आ गया? एनसीआर एक्स, अब देखो जैसे आपको कंपेयर करना है तो आप आर को टू डालो, आर को टू डालोगे तो यहाँ पे थर्ड टर्म आ जाएगी, तो थर्ड टर्म किसके बराबर आएगी, आर को टू डालो क्या आएगा, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू। अब देखो थर्ड टर्म आपकी कौन सी है, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, तो यही तो आई थी एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, समझ आ गया? जनरल टर्म कैसे निकालनी है, अभी तक सबको ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो एक बार, या ये पेंगुइन बना दो। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है मैं लिखूंगा, तो x प्लस वाई की पावर n है, यही एक्सप्रेशन है, इसमें x और y को इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है, सुनो आप ध्यान से, तो आपको क्या करना है, टी आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम दी एंड निकालना है। निकालो भाई, चैट बॉक्स में लिखो इसका आंसर, टी आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम दी एंड। जैसे अभी आपने टी आर प्लस वन फ्रॉम द बिगनिंग निकाला है, अब आपको टी आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। रफ कॉपी में सॉल्व करो और फिर मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में, या माइक ऑन करके भी बोल सकते हो।
टी एन माइनस आर फ्रॉम बिगनिंग, नहीं सही नहीं है अंकित सर, एन सी एन माइनस आर एक्स की पावर आर वाई की पावर एन माइनस आर। हाँ एकदम सही, किसने बोला था बेटा अभी आंसर? खुशी। ओके बेटा, आदित्य तुम्हारा सही नहीं है। नहीं 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 आर और एन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, आर और एन इंटरचेंज नहीं हो सकते बेटा, एन तो पावर है ना, एन पावर है, एन आर के साथ चेंज नहीं हो सकता है। अरे भाई आर और एन कैसे इंटरचेंज हो, कैसी बात कर रहे हो? चलो देखो देखो आपको कैसे सोचना पड़ेगा, एक काम करता हूं मैं, देखो इधर देखना ध्यान से, एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिख रहा हूं यहाँ पे छोटा सा, देखो इधर ध्यान दो, ये आपको ना उसमें भी बताया था यार, तुम मतलब करते नहीं हो, ये सीक्वेंस सीरीज में बताया था, पुराने बच्चों को आना चाहिए कि भाई एंड एंड से टर्म कैसे लिखते हैं। नहीं खुशी सही नहीं है आपका, खुशी भारद्वाज बेटा आपका सही नहीं है। देखो सुनो आप ध्यान से सुनना, अब एन सी जीरो एक्स की पावर एन और वाई की पावर जीरो, ये मेरी कौन सी टर्म होगी? टी वन, ध्यान रखना आप, ठीक है। एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर टू, ये मेरी क्या होगी? टी टू। ये हम यहां से देखते हैं तो इसको बोलते हैं बिगनिंग से देखना, ठीक है। एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर वन आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाई की पावर टू, ये मेरी कौन सी होगी? टी थ्री होगी। ऐसे चल रही है ये बिगनिंग से चल रहे हैं, अब एंड वाली लिखना स्टार्ट करो आप, एंड वाली लिखते हैं, एंड वाली लिखी मैंने एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन, फिर लिखा एन सी एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर वन वाई की पावर एन माइनस वन, फिर लिखा मैंने एन सी एन माइनस टू एक्स की पावर टू वाई की पावर एन माइनस टू, ठीक है, फिर लिखा एन सी एन माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री वाई की पावर एन माइनस थ्री, ठीक है। अब ये होगी टी वन फ्रॉम एंड, ये टर्म आपकी क्या होगी? टी वन फ्रॉम एंड, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे? टी टू फ्रॉम एंड, अभी सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ये टी थ्री फ्रॉम एंड और ये टी फोर फ्रॉम एंड, देख रहे हो आप, तो टी फर्स्ट फ्रॉम एंड, टी सेकंड फ्रॉम एंड, टी थ्री फ्रॉम एंड, टी फोर फ्रॉम एंड, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं टी आर प्लस वनथ फ्रॉम द एंड, तो इसका मतलब हो गया यहां पे मेरा आर जीरो हो रहा है, यहां पे मेरा आर वन हो रहा है, यहां पे मेरा आर टू हो रहा है और यहां पे मेरा आर थ्री हो रहा है, ठीक है। अब जो टी फोर है ये बिगनिंग से कौन सी टर्म है? टी फोर जो है वो बिगनिंग से आपकी, मैं यहां इसको ब्लू में लिख देता हूं, टी फोर जो एंड से जो है वो बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी? देखो जब जीरो आता है तो फर्स्ट टर्म है, वन आता है तो सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो ये टी एन माइनस टू एथ टर्म है, जो भी यहां पे जो इसका बेस होगा उसमें वन ऐड करना पड़ता है। ये वाली जो टर्म है ये आपकी बिगनिंग से कौन सी टर्म है? ब्लू में जो लिख रहा हूं वो बिगनिंग से है, टी एन माइनस, देखो ना ये टी टू है, ये टी थ्री, ये टी एन माइनस वन एथ टर्म है फ्रॉम द बिगनिंग, ये टी एन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, ये टी एन प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, क्योंकि टोटल एन प्लस वन टर्म्स होती है। तो अब R में और N में आपको रिलेशन निकालना था, तो टी आर प्लस वन एथ फ्रॉम द एंड इज सेम एज टी एन माइनस, देखो एन माइनस थ्री प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। समझ आई बात की नहीं समझ आई? देखो दोबारा से देखो, थोड़ा नीचे करके लेकर आऊ मैं, टी आर प्लस वन एथ फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, टी आर प्लस वन एथ फ्रॉम द एंड इज टी एन माइनस आर प्लस वन एथ फ्रॉम द बिगनिंग। देखो कैसे, जब आपका टी फोर था, अब आर को थ्री डालो, आर को थ्री डालोगे तो यहां पे क्या आएगा? एन माइनस थ्री प्लस वन, एन माइनस टू आ गया। R को 2 डालो तो T3 from the end is T n minus 2 plus 1 n minus 1 from the beginning। समझ आ गया आपको? तो अब R plus 1 th from the end लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगा? n minus R plus 1 th from the beginning। तो क्या होगा? NC, अब ये आपका R plus 1 हो गया ना, तो NC n minus R x की पावर R y की पावर n minus R,
अब जिसने n माइनस आर बोला ना उसका, उसने पता है क्या गलती कर दी, ये सही बोला, जिसने x और y को इंटरचेंज करने को बोला वो ठीक है, बट अगर मैं टर्म की बात करूंगा तो ये कौन सी टर्म होगी, n माइनस आर प्लस वन होगी ना बेटा, क्योंकि जब आप एन सी जीरो लिखते हो तो वो टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म, जैसे ये मैं एन सी जीरो लिख रहा हूँ तो ये फर्स्ट टर्म है मेरी, एन सी वन लिख रहा हूँ तो ये सेकंड टर्म है, एन सी टू लिख रहा हूँ तो थर्ड टर्म है, तो एक टर्म ज्यादा होती है ना, तो ये कौन सी टर्म होगी, एन माइनस आर प्लस वन होगी। अब सबको क्लियर हो गया ये फॉर्मूला, ध्यान में रखो ये सीक्वेंस सीरीज से थोड़ा सा अलग है, उसमें आर एथ फ्रॉम द एंड इज टी एन माइनस आर प्लस वन एथ फ्रॉम द बिगनिंग होता है, यहाँ पे आर प्लस वन एथ फ्रॉम द एंड इज टी एन माइनस आर प्लस वन एथ फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म एन प्लस वन बन रही है एक्चुअली में। अब सबको ये क्लियर हो गया कि कुछ डाउट है बताओ, ठीक है, जिसको नहीं क्लियर हुआ वो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम सा ही बच रहा है हमारे पास, आगे देखो भाई सब लोग। अब भाई मुझे ये बताओ 1 प्लस एक्स की पावर एन का क्या एक्सपेंशन होगा, जल्दी से अपनी रफ कॉपी में लिखो, किसी को बताना नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना, अपनी रफ कॉपी में लिखो, फिर मैं लिख दूंगा एक मिनट में। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन रफ कॉपी में लिखो सब लोग जल्दी से, ऑब्वियसली n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, वो आप बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे हम n मतलब ये सब चीजें n बिलोंगिंग अभी नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं, वो जो सर इसाक न्यूटन वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा लेट करेंगे। हो गया कि नहीं हुआ, देखो अब इसको जल्दी से कैसे लिखना है, सुनो इधर देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले NC0, अब 1 आ गया तो अब ऐसा हो गया कि x की जगह 1 आ गया, y की जगह x आ गया, तो याद ऐसे रखना है 1 की पार कुछ भी लगाओ तो 1 ही आएगा, तो बस x की पार लगाते रहो, NC0 x की पार 0, NC1 x की पार 1, समझ रहे हो ना ये। वैसे तो देखो पहले स्टेप में तो आपको ऐसे लिखना चाहिए NC0 1 की पावर n माइनस 0 x की पावर 0, NC1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, NC2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2, NC3 1 की पावर n माइनस 3 x की पावर 3, ऐसे करते करते लास्ट तक जाओगे तो NCn 1 की पावर 0 x की पावर n, तो फाइनली वो बन जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब सो ऑन टू NCn x की पावर n, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस x की पावर n का, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन निकालना है, तो अब इसमें क्या होगा, x की जगह क्या कर दो माइनस एक्स, क्योंकि फॉर्मूले में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो b की जगह माइनस बी कर दो, तो इसमें गिरोगे तो क्या आएगा, NC0 NC1x NC2 NC टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ओनली NC3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस वन की पावर एन NC n x की पावर n, ये भी आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है समझ आ रही है वाली बात। अच्छा जी अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन, ये किसके बराबर बनेगा बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 टाइम्स हो जाएगा NC0 NC0 NC1 x कटेगा, तो इसमें इवन टर्म आ जाएंगी 2 NC0 NC2 x की पावर 2 NC4 x की पावर 4 एंड सो ऑन टू, जितने भी इवन टर्म होंगे, अगर n इवन होगा तो वाली टर्म आ जाएगी, अगर n ऑड होगा तो वाली टर्म नहीं आएगी, n माइनस वन वाली लास्ट टर्म आएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, NC0 NC0 कट जाएगा ना, इसमें से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो करोगे तो NC0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ NC1 x NC3 x क्यूब NC5 x5 सो ऑन टू, जो भी टर्म आएगी, ठीक है। अब एक और चीज देखो, इसी में x को मैंने 1 गिर दिया, इसी में अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो क्या बनेगा अपने पास, 2 की पावर n बन जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें x को 1 गिरोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर n, क्या बन जाएगा NC0
प्लस एन सी वन राइट हैंड साइड में, एन सी टू, एन सी थ्री, सो ऑन टू एन सी एन. तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री सो ऑन टू एन सी एन किसके बराबर होता है? टू की पावर एन. इसमें आप एक्स को वन घेर दो तो क्या बनेगा? जीरो की पावर एन, जीरो एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री सो ऑन टू माइनस वन की पावर एन एन सी एन. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सारे आपको दो तीन बार ऐसे पढ़ने की आपको ध्यान में रहे. ऐसा नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बस एक बार पढ़ लिया तो नहीं होगा, तो बात नहीं बनेगी. आने वाला टाइम आपके लिए मुश्किल है. आने वाले जब आप देखोगे ना कि किस लेवल के आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि भाई कितने मुश्किल क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर में भी. वो आप काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे. क्वाड्रेटिक से तो कई ऊपर है ये वाला चैप्टर टफनेस लेवल में, ठीक है? तो इसलिए बहुत चीजें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से उसको समझना है. यहां तक क्लियर हो गया? बताओ किसी को भी दिक्कत है तो बताओ एक बार. यहां तक सबको क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में ऑल क्लियर करो. ठीक है, तो आज इतना ही कर रहे हैं. अभी एक इसकी एक असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगा, असाइनमेंट वन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? अब जो वीडियो लेक्चर्स हैं सुन लो भाई एक बार, मैं सब बता रहा हूँ. अभी टाइम कम बचा, अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही चलेंगे कल, और फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको समझ आएगा कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, ठीक है? जो भी अभी हमने पढ़ा है. तो आज का होमवर्क आपका क्या है कि असाइनमेंट वन एक अपलोड हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है? आप एनसीईआरटी से इसको कर सकते हो, जिसके पास एनसीईआरटी है. जिसके पास नहीं है वो स्किप कर देना, वो असाइनमेंट वन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब जो वीडियो लेक्चर्स है मैं वो फाइल्स में नहीं डालूंगा. वीडियो लेक्चर्स अगर आपको देखना है, इसका जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, तो एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का, तो उससे आप देख सकते हो. वो भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम. उसमें अगर आप सर्च करोगे, जैसे आपने बाइनोमियल थ्योरम सर्च करोगे तो उसमें आज का लेक्चर आपको दिख जाएगा. उसमें सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप बाइनोमियल लिखोगे तो ये दिख जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको इवनिंग क्लास के बारे में बता देता हूँ. इवनिंग क्लास आपका जैसे शेड्यूल है उसमें 2 to 4 का शेड्यूल है. एक जैसे आज शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास है, फिर कल केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास होगी, ऐसे करके उसमें चलेगा. अब जो मैथ्स की क्लास है उसमें हम बेसिक मैथ्स ही सबसे पहले पढ़ेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? जो बेसिक मैथ्स होगा उतना पढ़ाया जाएगा जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये तो उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना रिक्वायरमेंट है आपको आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है? बट जैसे ये वाला चैप्टर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, और से सीक्वेंस सीरीज हो गया, इस ऑर्डर में चलेंगे, हो सकता है हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे करें, ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? बट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें कम होंगे जो हम मॉर्निंग वाली क्लास में करते हैं उसके कंपैरिजन में. अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक के 16 लेक्चर्स लिए हैं, 90 के आसपास क्वेश्चन है, तो इवनिंग वाली क्लास जो होगी, क्योंकि वो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, उनको ज्यादा लोड ना पड़े, तो उसमें हम क्वाड्रेटिक के हो सकता है 50 के आसपास क्वेश्चंस करें. ट्रिगो के भी ऐसे ही हो सकता है 30 to 40 क्वेश्चंस के आसपास करें, ठीक है? सीक्वेंस सीरीज के भी ऐसे हो सकता है 30 to 40 क्वेश्चंस के आसपास करें. और उसका लेवल थोड़ा सा इस वाले बैच से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि अब जो नए बच्चे आए हैं उनको टाइम लगेगा ना. जैसे जो पुराने बच्चे हैं वो 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, वो अप्रैल से पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, तो अप्रैल मई जून जुलाई चल रहे हैं अब, तो उनका लेवल विद टाइम बढ़ गया है. और जो नए बच्चे हैं अब उनको थोड़ा समझने में मुश्किल आएगी. तो करना क्या है, जो भी नए बच्चे हैं उनको सुबह वाली क्लास भी मैथ्स की अटेंड करनी है, शाम वाली, दोनों ही मैं ले रहा हूँ क्लासेस, तो आपको दोनों ही अटेंड करनी है. अगर आपको एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल करके बताओ. अगर देखो आप और किसी से तो बात कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? और टीचर गौरव सर लेते हैं, जो जैसे जो नया बैच बनेगा वो गौरव सर लेंगे, बट अभी उनके ऊपर भी लोड ज्यादा है, इसलिए वो नहीं ले पाएंगे, मुझे ही लेना पड़ेगा. तो विद टाइम वो गौरव सर के पास जाएगा, वो जो भी बैच बनेगा, जो सेकंड बैच या थर्ड बैच बनता है वो गौरव सर के पास जाता है, ठीक है? तो अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि उन पे भी लोड ज्यादा है और मेरे को लगा कि ठीक है अभी नए बच्चे भी हैं, तो वो वाला जो लेक्चर है इवनिंग वाले वो मैं ही लूंगा. अब उसमें आपको जो भी, अगर किसी को लगता है कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो उसी टाइम बता देना है. क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता ना कि आपका क्या लेवल है बेटा, मतलब मैं तो, मेरा क्या होता है 10-15 दिन के बाद अपने आप ही आपको लगेगा स्पीड ज्यादा होने लग गई है,
तो वो मैं यही चाहता हूँ कि आप विद इन नेक्स्ट 5-6 डेज मेरे से एडजस्ट हो जाओ, जो भी नए बच्चे हैं, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि भाई मैं थोड़ा तेजी पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोर्स ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, तो वो स्पीड अपने आप ही आपको आपको मैं समझ आने लग जाएगा, ऐसा नहीं हुआ आपको नहीं समझ आएगा। और किसी के अगर कोई पुराने दोस्त हैं वो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको आईडी को लेके, आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम को लेके, आपका कुछ और समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, बट आपको कॉल करना है या तो टिल 5 PM या आप 9 to 11 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है अगर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं अगर मोबाइल मेरे पास में नहीं होता तो मैं पिक नहीं करता, आप मुझे मैसेज कर देना, नंबर आपको ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे बायनोमियल थ्योरम के असाइनमेंट करना स्टार्ट करें, क्वाड्रेटिक का जिसका टेस्ट बेकार हुआ है कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपने मेहनत अगर जिसने अच्छी करी हुई है विद टाइम उसका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बाकी हो सकता है हम आने वाले वीक में एक मोटिवेशन की क्लास भी रखें सबकी ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा हो रही है तो एक क्लास रख लेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको कूल कर दिया जाएगा, तो घबराना किसी को नहीं है, पूरे एंथू के साथ लगे रहो, डेली अपना 1-1.5 घंटा मैथ्स को दो, अगर ज्यादा दे सकते हो तो ज्यादा दो, किसी को दिक्कत आती है कुछ और डीमोटिवेशन अभी हो रहा है तो वो मेरे से बात भी कर सकता है, ठीक है। हैव अ गुड डे, आज तो मेरी इवनिंग में क्लास नहीं है, कल मिलते हैं फिर सुबह, फिर और देखते हैं, ठीक है। तो कल हम बायनोमियली कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में, इवनिंग में बेसिक मैथ्स, ठीक है। हैव अ गुड डे, और जय हनुमान जी करके एग्जिट करो, सब लोग जय हनुमान जी करके एग्जिट।